तो गाइस इनको कौन कौन मानते हैं कमेंट में जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज, यह देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, लास्ट तक प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे। दोस्तों हम लोग कहीं जा रहे हैं, आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। कहाँ हम लोग जा रहे हैं आप लोग बने रहिए, चलिए हम लोग के साथ आप ही लोग। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। उनका तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इसलिए ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं बोलने पर, अभी बोलेंगे नहीं अभी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये कौन चौरा है, कप्तानगंज में है हम लोग इस वक्त, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए दुकान है पास में, जिसको भी खाना है वो आ जाए। फल खाना है हम लोगों का। होली कल था, इधर आज होली है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर ये अभी बन रहा है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी आने जाने में। देखिए अभी नया नया बन रहा है, ये अभी बोलेंगे नहीं क्योंकि आजकल ये गाड़ी चलाते समय बोलते नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जहाँ पहुँच चुके हैं, हम लोगों को जहाँ आना था, तो चलिए अभी हम दिखाते हैं आप सबको। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ढेर सारा दुकान है, और ये सब देखिए आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे, हम लोग देख सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है इधर। तो गाइस ये देखिए, ये है रामकोला मंदिर का गेट और अंदर जाने का रास्ता। और यहाँ पे एक प्यारा सा पेड़ आप लोग देख सकते हैं, ताकि इसके नीचे दुकान लगा हुआ है, उधर बिसरथे का दुकान है। और यहाँ पार्किंग है जहाँ पे पार्क होता है गाड़ी मोटर। और मैं बहुत पहले यहाँ पर आई थी, जब छोटी थी तभी, और पहली बार मतलब जब से हो संभाला है मतलब पहली बार यहाँ पे आई हूँ। तो अभी लोग आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम इधर आए तो लोग उधर उधर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, क्या खरीदने जा रही हैं खुशबू जी, क्या खरीदने जा रही हैं? अभी जा रहे हैं दर्शन करने, जो भी खरीदना था खरीद लिए हैं। तो चलिए अभी लोग यहाँ पे है दुकान, काफी बहुत बड़ा है, यहाँ से बहुत दूर तक है दोस्तों, देखिए। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर में पहुंचने वाले हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे प्यारा प्यारा, इधर सामान बिक रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस हम लोग टिकट कटा लिए हैं, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे लोग सारे लोग देखिए पानी में हेल कर जाना पड़ता है, हम लोग भी पानी में हेल के जा रहे हैं। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है ये देखिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे हम घूमने आए हैं और ये लोकेशन आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग के लिए वीडियो है। और जिनको भी अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वो देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा, घोड़ा दो है, ये देखिए कितना बाकायदे से ये मंदिर बना है, काफ़ी खूबसूरत है। इधर नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, इधर आना है तो आप लोग आ सकते हैं। तो कैसा लगा आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इधर वो देखिए हरीश जी वहाँ पे खड़े हैं, आबिद जी उधर खड़े हैं, तभी हम आप लोगों को दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। तो वैसे देखिए हम अंदर जा रहे हैं, पीछे पीछे यार कितना ठंडा लग रहा है, कितना अच्छा इतना सुंदर लग रहा है अंदर। अभी ऊपर हम लोग जाएँगे तो भी आप लोग देखिएगा वीडियो में, हम लोग देख सकते हैं। बाबा जो लोग मानते हैं इन सबको, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये है अंदर का सीन, जो कि खुशबू जी देखिए प्रणाम कर रही हैं। तो गाइस ध्यान से देखिए, आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है, चलिए नज़दीक से आप सबको दिखाते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं सती अनुसुईया दरबार, ये है दरबार, ये देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा मुहूर्त है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए सारा जो मूर्ति है, देखिए आप लोग कितना हिफाजत से रखा हुआ है, सजाया गया है। इधर है महर्षि, आप लोग देखते जाइए पढ़ते जाइए, ये देखिए।
काफ़ी बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब, बहुत ही प्यारा। और ये देखिए इतना ध्यान से देख रहे हैं। और यहाँ जो भी लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं। और यहाँ देखिए बहुत काफ़ी सारा इतना इतना पैसा चढ़ाया जाता है, और यही पैसा हम लोग किसी का हेल्प करते करने के लिए लगाते तो कितना अच्छा होता है। और यहाँ तो पैसा चढ़ाना व्यर्थ है, मानना है जिनको भी दिल में मानो, लेकिन यहाँ पैसा चढ़ाना व्यर्थ है। हर जगह पैसा लग रहा है, हर जगह पैसा देना पड़ रहा है, क्या फ़ायदा इस मतलब मंदिर में आ करके। अरे मानना है तो दिल से मानो, कहीं भी जाओ हम दर्शन करने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पैसा चढ़ाओ तो तब जाके दर्शन करने को मिलेगा। अरे हमारा दिल करेगा तो चढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। तो जो भी लोग हो, अगर गलत लगा हो मेरी बातें तो इसके लिए सॉरी। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं मानते, हम लोग भी सबको मानते हैं। तो चलिए अभी बाहर अभी और देखने के लिए वीडियो बने रही। देखिए काफ़ी भीड़ लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे सारी मूर्ति जो बनाया गया है, दर्शाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस इनको कौन कौन मानते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं तो इनको बहुत मानती हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ पे पैसा चढ़ाया गया है, 500 का नोट और सारा सिक्का यहाँ पर चढ़ाया गया है, देखिए। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ है भोले जी। और ये देखिए चारों तरफ, और वह है वहाँ जाने का रास्ता। और ये देखिए यहाँ पे चढ़ रहा है पैसा। तो गाइस इस समय हम लोग चार तल्ला ऊपर, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे नज़ारा। और ये देखिए भोले जी का सारा यहाँ पे वो बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए गाइस बहुत ही खूबसूरत, इतना ऊपर आए हैं हम लोग दर्शन करने भोले जी का, कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये देखिए कितना अच्छा ऊपर है ब्रह्मा जी का मूर्ति, और नीचे विष्णु जी का, और वो नाग देवता। ये है गेट बाहर निकलने का मंदिर से। और यहाँ पे खड़े हैं हरीश जी, और उधर खड़े हैं कैमरामैन वाले जो यहाँ पे फ़ोटो वोटो निकालते हैं। ये देखिए कमेंट पे बताइए कौन कौन बैठे हैं उस पर, मैं तो सोच रही हूँ बैठूँ। हाँ कौन? तो गाइस ये देखने के लिए ये देखिए प्रसाद हम खिला रहे हैं, ये देखिए प्रसाद खिलाने जा रहे हैं, प्रसाद मांग रहे हैं, बत्तख जो है प्रसाद मांग रहे हैं। इन सबको पता है कि यहाँ पे लोग आते तो प्रसाद चढ़ाते हैं। कितना प्यारा प्यारा बत्तख, कितना प्यारा प्यारा है, देखिए कितना फुल वाइट एकदम। गाइस आप लोग देख सकते हैं, देखिए फिर देखिए प्रसाद मांग रहे हैं सब। ये देखिए कैसे कैसे ऊपर से गिराना पड़ता है, तब नहीं तो डर डर भी लग रहा है यहाँ पे इन लोग से। देखिए खुशबू जी क्या ले रही हैं, बाली। और देखिए पसंद कौन आ रहा है तब दिखाते हैं। छोटे बच्चे तरह चुएदा लेकर आ रहे हैं, आग खेलेंगे घर पे। कोई छोटा बच्चा है नहीं नहीं हमारा। अच्छा खुशबू जी आपको पसंद नहीं है क्या? नहीं बहुत महंगा। तो गाइस इतना प्यारा प्यारा चीज आप लोग देख सकते हैं, कार्ड कमाई सब सब कुछ यहाँ पे है, फिर भी खुशबू जी को पसंद नहीं आ रहा है। भाई का नाम कितना दे रहे हैं, खुशबू जी ली है कि नहीं? नहीं ली है, अच्छा नहीं लगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इतना प्यारा प्यारा है, लेकिन फिर भी पसंद नहीं आ रहा है इन सबको। कितना का है? अरे देखिए ए मैडम और ये दुकान वाले भैया देखिए। तो फाइनली गाइस हम लोग मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं गेट पे आ गए हम लोग। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैडम जी देखने के लिए? क्या साथ में आपके? हाँ रह सकते हैं। अरे देखिए पता नहीं कहाँ गए हैं हरीश जी। दुकना है कहाँ माने? कहाँ है मैडम जी? दुकना है जी कहाँ है? हमको प्रसादी चाहिए। प्रसादी कौन सा चाहिए? अरे आज ऐसे लग रहा है आपको कोई पहचान ही नहीं रहा, बुलाइए। पैसा से नहीं देंगे आप, देंगे तो क्या है दुकान है।
बाबू इनको भी ले लीजिएगा, आपका दुकान है हमारे पब्लिक शो में भी आ जाएंगे तो यही है इनका दुकान है। कैसा लगा आपको हमारे मैडम से मिलकर? ऐसे इधर देख के बोलिए आप, कैसा लगा मैडम जी से मिलकर? ठीक है ना, तो जो भी मैडम क्या फ्री में देंगे ना, पैसा नहीं देंगे मैडम जी? दिखाइया है, देखेंगे तो कुछ मैडम जी का इतना अच्छा देख लियो, अब बोले कुछ नहीं देना ऐसा। तो हम प्रसाद ही लेंगे यहाँ पे, लेकर के जाना है घर पे क्योंकि ऐसा तो मैडम देख लेना फ्री में कुछ देना ना है। मेरा देखे जाइब का देव तू हाँ देख ले, दिखाइए बाबू के प्रसादी ले चुके हैं आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग कहाँ आए थे आपको बताना भूल गए थे, तो जान लीजिए हम लोग आए थे रमकोला मंदिर दर्शन करने। तो हम लोग दर्शन कर लिए और हम लोग जा रहे हैं, अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं कितना छठ मैया बनी है यहाँ पे, ये देखिए। तो देखिए गाइस, ये देखिए मूर्ति कितना बड़ा है भोले जी का, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस इस समय हम लोग आए थे कप्तानगंज पार्क में, तो आप लोग देख सकते हैं ताला मारा हुआ है, आज नहीं इसमें एंट्री है क्योंकि कल से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कृपया होली के शुभ अवसर पर पार्क बंद रहेगा। तो होली कल था आज भी है, तो ये खत्म हो जाएगा तो कल से एंट्री है। कि होली कल भी मनाए आज भी मनाया जा रहा है। हाँ सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। हाँ सही बात है, हम भी मनाए हैं इस बार होली। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए परतावल, अब यहाँ से जाएंगे हम घर क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और पैर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो गाइस अभी ऑटो नहीं मिल रहा है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मिलेगा तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे घर। और तो गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।